बद्री क्षेत्र में निवास करते हैं पंच बद्री। चारों युगों में बद्रीनाथ धाम चार अलग अलग नामों से जाना गया है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम का नाम मुक्ति प्रद क्षेत्र, त्रेता युग में योग सिद्धि प्रद क्षेत्र, द्वापर युग में विशाल नाम से जाना जाने वाला ये पवित्र क्षेत्र कलयुग में बद्रिकाश्रम कहलाया। बद्रिकाश्रम के आसपास की भूमि कहलाई बद्री क्षेत्र, जिसमें निवास करते हैं पंच बद्री। बद्री विशाल, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योगा ध्यान बद्री और आदि बद्री ही पंच बद्री है। बद्रीनाथ भगवान ज्यों की कथा। पहले बात करते हैं बद्री विशाल की। पुराणों में ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें बद्रीनाथ की चर्चा ना हो। ऋषियों की तपोभूमि में कृष्ण व्यास ने यहाँ बैठकर महाभारत रचा। तपस्या कर रितंबरा, ज्ञान आदि ऋषि नारायण ने यही प्राप्त किया। बद्रीनाथ जो विष्णु की मूर्ति कही जाती है, उनके साथ नर और नारायण की मूर्ति भी है तथा अन्य प्रतिमा नारद, गरुड़, उद्धव, कुबेर और गणेश जी की भी है तथा लक्ष्मी जी की प्रतिमा मुख्य मंदिर के बाहर है। अब बात करते हैं भविष्य बद्री की। भविष्य बद्री का मंदिर जोशीमठ से कुछ आगे 18 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि जब नर नारायण पर्वत ढह जाने से जब विशाल बद्री का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो भविष्य में यही बद्रीनाथ जी की स्थापना होगी और तीर्थ यात्रा यही जाया करेंगे। अब बात करते हैं वृद्ध बद्री की। जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर 4000 फुट की ऊंचाई पर वृद्ध बद्री मंदिर है। वृद्ध बद्री मंदिर तीसरा बद्री धाम है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना से पहले भगवान विष्णु की पूजा यहीं पर होती थी। इसका नाम वृद्ध बद्री इसी कारण से है। वृद्ध बद्री को नारायण की तपस्थली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं योगा ध्यान बद्री की। योगा ध्यान बद्री पंच बद्री का चौथा बद्री धाम है। मान्यता है कि जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर रुख किया तो उन्होंने पांडुकेश्वर स्थित योगा ध्यान बद्री में विश्राम किया। जोशीमठ से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित योगा ध्यान बद्री में ही राजा पांडु को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब आखिर में बात करते हैं आदि बद्री की। आदि बद्री पांचवा बद्री धाम है। समुद्र तल से 1203 मीटर की ऊंचाई पर बेनी पर्वत की पंडाल पर स्थित आदि बद्री कर्णप्रयाग से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। आदि बद्री भगवान की तपस्थली कहा जाता है। आदि बद्री 14 मंदिरों का एक समूह है जो समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। आदि बद्री स्थल का प्राचीन नाम नारायण मठ है। आदि गुरु शंकराचार्य के आने के बाद ही ये आदि बद्री हो गया। यहाँ स्थित विष्णु मंदिर 16 छोटे छोटे मंदिरों के समूह से बना है। अब बात करते हैं आदि बद्री में और क्या क्या है। आदि बद्री में 3 फुट ऊंचे काले रंग की नारायण की मूर्ति है। आदि बद्री के अतिरिक्त सत्यनारायण, गणेश, सूर्य, अन्नपूर्णा, गरुड़, शिव, दुर्गा आदि के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है।